हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रहेंशन अनसीन पैसेजेस के बारे में। देखिए, अनसीन पैसेज कॉम्प्रहेंशन होता क्या है इसको समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय, कॉम्प्रहेंशन लिखते समय। देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी पैसेज का जो कॉम्प्रहेंशन होता है उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो कॉम्प्रहेंशन वर्ड है ये एक नाउन का फॉर्म है जो कि कॉम्प्रहेंड से आया हुआ है, और इसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पैसेज की मीनिंग को आप मेंटली कितना ग्रैप्स करते हो उस चीज को, राइट, उसको समझते कितना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो कितना है, ये डिपेंड करता है कि कंप्रहेंशन वो पर्सन की पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अनसीन पैसेज जिसको कभी उसने देखा नहीं उस पैसेज को, ये एक वेरी एक लाइट एक्सरसाइज होती है उसकी। फर्स्ट जो ग्रैप्स ऑफ सेंस होता है पैसेज को पढ़ करके, वो पर्सन है वो क्या समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का जो नेचर है वो क्या है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो दिया जाता है क्वेश्चंस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन के आंसर को देना, वो अपने शब्दों में किस तरीके से उसके आंसर्स को लिखता है, ये इन चीजों को जज किया जाता है एक कंप्रहेंशन के थ्रू, एक अनसीन पैसेज के थ्रू, राइट। जो उसके आंसर होते हैं वो ब्रीफ में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और जो कंप्रहेंशन है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक प्रिसाइज राइटिंग होता है जो कि टर्न जो लीड करता है एक कंपोजिशन राइटिंग की तरफ, उसको लीड करता है। अब जो कंप्रहेंशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंस पार्ट है किसी भी पर्सन के मेंटल डेवलपमेंट का, ताकि स्टूडेंट समझ पाता है वहां से उसकी जो आर्ट ऑफ लर्निंग होती है इंग्लिश को लेकर के वो डेवलप होती है जितनी वो अनसीन पैसेजेस सॉल्व करता है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एसएससी का एग्जाम हो, आपको अनसीन पैसेज इसीलिए दिया जाता है ताकि जो आपकी इंग्लिश को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी आर्ट ऑफ लर्निंग है वो कितनी है, जो आपका सेंस है, जो आपकी ग्रैप्सिंग पावर है किसी भी चीज को लेकर के वो कैसी है किसी भी पैसेज को पढ़ करके, इसी चीज को जज किया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझना होगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी पैसेज के आंसर्स को दे रहे हों, जो अनसीन पैसेज हो उसके आंसर्स को जब हम फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए ताकि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हेल्प करते हैं आपके आंसर को बहुत बेटर वे में लिखने में। सबसे पहली चीज होती है, किसी भी चीज को समझने के लिए उसे पढ़ना होता है, रीड द पैसेज केयरफुली 2 or 3 times, द थीम ऑफ पैसेज में बी अंडरस्टूड। आपको समझना होगा कि ये पैसेज किस थीम के ऊपर बेस्ड है, क्या ये किसी पर्सन की जीवनी है, क्या हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसका एक्चुअल थीम क्या है, क्या वो किसी किसी डे के ऊपर विशेष ये पैसेज लिखा हुआ है क्या। जैसे ही आप उसकी थीम को समझ जाते हैं पैसेज की, आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसे अंडरलाइन करना है उस रेलेवेंट पोर्शन को जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप फील करोगे कि यार आपके लिए ये सुटेबल आंसर होता है, हो सकता है इस पैसेज में से। और कोशिश करना है आपको कि जो आपके आंसर होने चाहिए वो आपके अपने वर्ड्स में लिखे होने चाहिए। वो कब आप कर पाएंगे, जब आप उस पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। जब भी आप आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आपके जो आंसर्स हैं वो सिंपल हों, ईजी हों, वो करंट लैंग्वेज के अंदर लिखे हों जो उस इंग्लिश के अंदर बेसिकली यूज की गई है। एक चीज जो आपको बहुत ध्यान देनी है, उसको याद रखना है कि आंसर शुड बी इन योर कॉम्पोजिशन, आपके कॉम्पोजिशन में वो आंसर होना चाहिए। डोंट ट्राई टू कॉपी द एवरी वर्ड ऑफ पैसेज, आपको कॉपी नहीं करना है पैसेज के वर्ड्स उठाए यहां से लेकर के यहां तक ये आंसर हुआ, ये वाला काम नहीं करना है आपको। आंसर आपके जो ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन है उस वे में होना चाहिए, आपने टेंसेस पढ़े हैं, आपको सेंटेंसेस बनाने आ रहे होंगे, आप जो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, वर्ड्स आपको सही लिखना है, आपको अगर कहीं पंक्चुएशन है सही तरीके से उसका सही तरीके से यूज करना है, आपको लगता है क्वेश्चन मार्क यूज करना है, आपको यूज करना होगा ताकि आप अच्छी तरीके से आप अपने आंसर्स में सेटिस्फाई कर पाओ लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है।
और बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि सेम जैसा लिखा हुआ वैसे ही आपको कॉपी कर देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हर आंसर्स को सेपरेट पैराग्राफ के थ्रू आपको समझना है, ताकि जो क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, उसके बेसिस पे आंसर देना है आपको। ये मैंने आपको बात करी कि वो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके आंसर्स को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर बनाने में, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का एक राइट आंसर देने में। तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ, ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें आंसर देना है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक दो, बेसिकली 2 से 3 करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की हमारी लेवल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल कैसा है। आप क्वेश्चन के आंसर्स खुद भी दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी। देखिए, ये जो पैसेज है ये आपके लिए, एब्सेंट पैसेज आपको पढ़ना है, कि ये जो पैसेज है लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज माई फेवरेट लीडर, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ His age, he was born on 14th of November 1889 at Allahabad. His father was Pandit Motilal Nehru. He was a great barrister. Jawaharlal was a volition of his parents. He was brought up like a prince amid riches. He was sent to England for higher studies. Having finished his education there, he returned to India and became lawyer. When he came in touch with Mahatma Gandhiji, he became his disciples. He found fond of children. They called him Chacha Nehru. That's why his birthday is celebrated as a Children's Day. He fought for cause of people, poor, right? वो गरीबों के लड़े। He died of 27th of May 1964. India lost a great son and leader in him. इंडिया ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया। अब देखिए, ये पैसेज आपको दिया हुआ है, आप समझ पा रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया हुआ है, और ये एक फेवरेट लीडर हुआ करते थे, ये क्या थे अपने एज में, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पैदा हुए, उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, ये सारी चीजें दी हुई हैं। आपने समझ लिया क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ने के बाद, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अनसीन पैसेज में ऐसा ही होता है बेसिकली, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आप इसके आंसर्स को दे दोगे। व्हेन ही वाज बोर्न, वो कब पैदा हुए, वो कहाँ पैदा हुए, इलाहाबाद में पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये पैसेज में आपको मिल जाएगा। कौन प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पापा का नाम मोतीलाल नेहरू, अब सारी चीजें पूछी जा रही है, उनके पापा क्या थे, बैरिस्टर थे। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, कहाँ भेजा गया था उन्हें हायर स्टडीज के लिए, इंग्लैंड भेजा गया था, गांधी जी से वो इन्फ्लुएंस हुए, क्या चीज़ उनको पसंद आई, कैसे इन्फ्लुएंस हुए, बच्चे उनको क्या कहते थे, चाचा नेहरू कहते थे, वो गरीबों के लिए लड़े, क्या किया उन्होंने, कैसे मरे, कब मरे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पैसेज से रिलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए थे, इन सबके आंसर्स आपको लिखना है। वो कब आप लिख पाएंगे, जब आप पैसेज को समझेंगे अच्छी तरीके से, तो ही आप इनके करेक्ट आंसर्स को दे पाएंगे। अब इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, इनके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब उसके आंसर्स की बात कर लेते हैं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अब इसी तरीके से, कब पैदा हुए, ही वॉज बॉर्न ऑन 14th नवंबर 1889। इसी तरीके से, ही वॉज बॉर्न एट इलाहाबाद, जितना पूछा है उतने आंसर देना है हमें। हिज फादर वॉज, उनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू। इसी तरीके से, हिज फादर वॉज अ ग्रेट बैरिस्टर, उनके पिताजी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और उनको इंग्लैंड भेजा गया था फॉर फॉर द हायर स्टडीज के लिए, राइट। गांधी जी इन्फ्लुएंस ऑफ इन सो ग्रेट, ही इज बिकेम इज डिसिपल, गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए, उनके वो बिल्कुल अनुयायी बन गए, और जो बच्चे थे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, कॉज ऑफ पुअर, गरीबों की लड़ाई लड़ी, वो कब मरे, 27th ऑफ मई 1964 को। ये जो 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उन ये 10 क्वेश्चंस के आंसर्स थे। इन आंसर्स को और जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा। एक और पैसेज करेंगे ताकि आपको और आइडिया लग पाए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और मैं आपसे पूछूंगा इसके क्वेश्चंस। पहले तो आप वीडियो पॉज करना पैसेज को पढ़ने के बाद, उसके बाद इसके आंसर्स को देने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पे एक और पैसेज लिखा हुआ है, और इस पैसेज में कुछ चीजें हैं। आप देखिए, द न्यू एवरेस्ट एक्सपेडिशन वॉज रेडी टू स्टार्ट, तेंजिंग पुट ऑन द बेस्ट क्लॉथ्स एंड वेंट
टू एज फॉर जॉब एज अ पॉटर बट थिंग्स वेंट रॉन्ग अगेन तेंजिंग कट हिज हेयर शॉर्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन बॉयज लॉफ्ड एट लॉन्ग हेयर दे टीज हिम सेइंग दैट लुक लाइक अ गर्ल बच्चे उसको टीज करते थे कि लड़कियों की तरह दिखता है उसने अपने हेयर कट के ही वॉज लेफ्ट आउट बाय द पार्टी ऑफ क्लाइंबर्स एंड ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेरपा राइट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश को इंग्लिश नहीं बोल पाता था टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था ही फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट उसे डिसअपॉइंटमेंट फील होती थी इवन ही पार्टी लेफ्ट विदाउट हिम बट स्पाइट ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट टाइम एंड अगेन ही नेवर गिव अप वो कभी अपनी होप नहीं छोड़ी हार नहीं मानी एंड द होप क्लाइंबिंग द माउंटेन वो माउंटेन चढ़ पाया अब यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा है व्हाट डिड तेंजिंग आस्क फॉर सेकंड वन व्हाई डिड तेंजिंग हैव हिज हेयर कट व्हाई डिड ही नॉट गेट द जॉब हाउ डिड ही फील व्हेन ही डिड नॉट गेट द जॉब फाइंड वर्ड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स रेडिकल्ड इसकी मीनिंग क्या होगी अब ये जितने भी क्वेश्चन थे इसका आंसर क्या हो सकता है आपको सोचना है वो किसके बेस पे मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इस पैसेज के बेसिस पे इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और फिर इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो फिर इसके बाद आपको इसके आंसर्स को मैच करना है जो मैं आंसर दे रहा हूँ उससे ताकि आपको पता लग पाएगा कि आपकी जो ग्रैप्सिंग पावर है किसी भी पैसेज को लेकर के वो कितनी है देखिए अब मैं आंसर्स के बारे में बात करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक आंसर्स को ढूंढ लिया होगा तो चलिए बात करते हैं आंसर्स पे पहला आंसर तेंजिंग आस्क्ड फॉर द जॉब ऑफ पॉटर राइट तेंजिंग हैड हेयर कट बिकॉज इंडियन बॉयज लॉफ्ड एट लॉन्ग हेयर लॉन्ग जो उसके बड़े बाल थे उस पे जो इंडियन बॉयज थे वो हंसते थे उसे लड़की कह के पुकारते थे तीसरे का जो आंसर होगा He did not get the job because he did not look like Sherpa. वो Sherpa की तरह नहीं दिखता. He felt disappointment when he did not get job. जब उसको job नहीं मिली तो वो उस पर disappointment feel करता था. Laughed at. ये इसके answers हुए. और उम्मीद करता हूँ कि ये passage से काफ़ी कुछ idea लगा होगा. लेकिन हम बात करेंगे कि passage को किस तरीके से आपने solve किया. आपकी understanding क्या रही passage को लेकर के मैंने आपको दो passages बताए. राइट और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे पैसेज को उतनी चीज़ें आपको बहुत बेटर वे में समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे कम्प्लीटली आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज सारी चीज़ें मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप वहां से हमारे नोट्स को भी अवेल कर सकते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीसियस टाइम एट लास्ट गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच